एवरी वन वेलकम टू द सेशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड नाइन्थ का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट वन चैप्टर का नाम है एवलिन ग्लेनीउंडरिंग इट बाय कर्की एवलिन ग्लेनी एक स्कॉटिश लड़की है और बचपन से ही वो बहुत म्यूजिक में इंटरेस्टेड थी इनफैक्ट वो म्यूजिक को ही अपनी जिंदगी बनाना चाहती थी बट जब वो ग्यारह साल की हुई तो वो डेफ हो गई वो सुन नहीं सकती थी पर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी शी डेंट लूज हो उसने म्यूजिक को अपने बॉडी पार्ट से सुनना महसूस करना शुरू किया हालांकि वो डेफ थी बट फिर भी वो साउंड ऑफ म्यूजिक मीठी साउंड ऑफ म्यूजिक को सुन सकती थी अपने माइंड से से। अपनी बॉडी वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनी डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए उसने कर दिखाया कि कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास विल है और जो हार्ड वर्क करते तो चलिए देखते हैं और समझते हैं इस चैप्टर की समरी को डिटेल में ऑथर ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है स्टोन के साथ कि ये जो स्टोरी है शुरू होती है एक रेलवे स्टेशन से जो बहुत क्राउडेड है भीड़ है वहां पर पीकार्स पे और वहां पर एक सेवनटीन ईयर ओल्ड लड़की छोटी सी पतली सी स्कॉटिश लड़की खड़ी हुई है जो ट्रेन जब आती है उसकी वाइब्रेशंस महसूस करती है प्लेटफॉर्म पे तो नर्वस बहुत है वो बट एट द सेम टाइम वो बहुत एक्साइटेड भी है क्योंकि वो जा रही है अपने सपने पूरे करने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन अपनी पहली क्लास लगाने हालांकि थोड़ी बात इंटिमिडेटिंग है एक टीन के लिए ऐसी सिचुएशन में पढ़ना बट उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम है और वो बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो सुन नहीं सकती। वो प्रॉपरली सुन नहीं सकती किसी भी साउंड को एंड सिर्फ और सिर्फ वो वाइब्रेशंस फील कर सकती है एवलिन की ये जो डेफनेस की प्रॉब्लम थी ये स्टार्ट हुई थी कि जब वो काफ़ी यंग थी छोटी थी बट ग्रेजुअली जैसे टाइम बीता और उसकी उम्र होती गई तो उसकी डेफनेस की प्रॉब्लम भी बढ़ती गई तो एक बार की बात है उसकी मदर एजा ग्लेनी रिकॉल करती है कि एक बार वो अपनी बेटी को बुला रही थी और वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी फर्स्ट टाइम तब ये रियलाइज हुआ कि एवलिन को कोई प्रॉब्लम है सुनने में एवलिन उस टाइम पे सिर्फ आठ साल की थी जब ये इंसिडेंट हुआ और हुआ ये कि उन्होंने उसका नाम बार बार बुलाया बट वो ही नहीं रही थी उसे पता ही नहीं लगा तो ये फर्स्ट इंडिकेशन था कि वो सुन नहीं पा रही है ढंग से अब एवेलिन ने क्या किया अपनी ये प्रॉब्लम अपने दोस्तों से अपने टीचर्स से छुपाई बट वो बढ़ती जा रही थी प्रॉब्लम बट जब वो फाइनली इलेवन इयर्स की हुई एवलिन तो उसकी परफॉर्मेंस स्कूल में ड्रॉप कर गई बुरी हो गई तो उसकी हेड मिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया कि इसे एक स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाओ और तब ये पता चला कि एविलेन को सुनने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसको नहीं सुनाई दे रहा डैमेज हो चुका है काफी उसका कान तो उसके पेरेंट्स को एडवाइस किया गया कि इसे इस स्कूल में ना के नॉर्मल स्कूल में ना रख के जो डेफ लोगों के लिए स्कूल है वहां भेजा जाए एविलिन के लिए तो सडनली सब कुछ खत्म था ब्लैंक हो गया था बट उसने हिम्मत नहीं हारी कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीऊंगी और उसने अपना माइंड बना लिया था कि मैं म्यूजिक में ही अपना कुछ करके दिखाऊंगी तो उसके बहुत सारे टीचर्स ने उसे डिस्करेज किया कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है बट उस टाइम पे एक फेमस प्रिकर्शनिस्ट जिनका नाम था रॉन फॉर्ब्स उन्होंने स्पॉट कर लिया था उसका टैलेंट उसका पोटेंशियल तो उन्होंने एविलिन को बोला कि तुम अपने कानों से मत सुनो तुम ट्राई करो उसे सेंस करने की म्यूजिक को सेंस करने की किसी और जरिए से तो फोर्ब्स ने क्या किया दो बड़े ड्रम्स रखे और उनको बजाना शुरू किया डिफरेंट टोन पे डिफरेंट नोट्स पे तो सडनली एवलिन ने रियलाइज किया जो हायर ड्रम था वो उसकी वाइब्रेशन महसूस कर सकती थी वेस्ट के ऊपर वाले हिस्से में और लोअर नोट की जो वाइब्रेशन थी वो महसूस कर सकती थी वेस्ट के नीचे वाले हिस्से में और फोर्ब्स ने ये एक्सरसाइज को रिपीट किया तो जल्दी ही एवलिन को डिस्कवर हो गया कि वो कुछ नोट्स को टोन्स को डिफरेंट पार्ट्स पे महसूस कर सकती है और उसने अपने माइंड को अपने बॉडी को साउंड्स और वाइब्रेशन को महसूस करने के लिए खोल दिया तो वो एक पॉइंट था जब उसको ये रिलाईज हो गया था इसके बाद पीछे वो कभी नहीं मुड़ी इट वॉज हम कह सकते हैं रिजल्ट ऑफ हर आयरन डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क जहां वो आज पहुंची है तो बाय द टाइम वो सोलह साल की हुई उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं म्यूजिक को अपना लाइफ बनाऊंगी तो वो पहुंच गई लंदन और उसने ज्वाइन किया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जब उसका एडमिशन टेस्ट हुआ तो उसका जो स्कोर था वो हाईएस्ट था उस एकेडमी के हिस्ट्री में तो जब उसने अपना तीन साल का कोर्स खत्म कर लिया था उस टाइम पे उसको बहुत सारे टॉप अवार्ड्स दिए गए थे उसकी परफॉर्मेंस उसके टैलेंट के लिए एविलिन ने टूर किया यूनाइटेड किंगडम एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ बैंड के साथ बट ग्रेजुअली उसने मूव कर लिया एक ऑर्केस्ट्रल वर्क जहां पर ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस प्ले करते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स इकट्ठे तो ऑर्केस्ट्रा से उसने मूव कर दिया सोलो परफॉर्मेंस अकेले परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया और आपको एक बात बताती हूं वो अबाउट वन थाउजेंड प्रशन इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकती थी मास्टरी के साथ आप ये सोचो कि कितना वंडर होगा देखना कि एक डेफ लड़की इंस्ट्रूमेंट्स को ऐसे प्ले कर सकती है एफर्टलेसली बट आपको एक बात बताती हूँ इंस्पाइड ऑफ ऑल हर अचीवमेंट उसके अंदर घमंड का इतना सा भी ट्रेस नहीं था उसका कहना ये था कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो तो आप डेफिनेटली वहां पहुंचोगे एंड सर्टेनली वो अपने फील्ड में वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक में टॉप पे थी वो ये भी कहती थी कि म्यूजिक पोर करता है मेरे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से वो टिंगल गुदगुदी करता है मेरी स्किन में मेरी चीक बोन्स में और इवन मेरे बालों में म्यूजिक मुझे हर पार्ट से महसूस होता है जब वो जायलोफोन प्ले करती थी बजाती थी तो जो सेंस था म्यूजिक का वो डंडे से उसकी फिंगर टिप्स में जाता था ड्रम्स के अगेंस्ट लीन करके वो फील करती थी द रेजनेंस उसकी बॉडी में जो वाइब्रेशंस जा रही है एक वुडन प्लेटफॉर्म पे बैठ के वो अपने जूते निकाल देती थी ताकि वाइब्रेशंस उसके पैरों से नंगे पैरों से उसके लेग्स तक जाए जो हम सुनते हैं वो उससे एक या टेन टाइम्स ज्यादा फील करती थी उस चीज को उसको एक ऑनरेबल ऑफ़ द ईयर अवॉर्ड भी मिला रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी से इन द ईयर 1991 इनफैक्ट एक सीनियर प्रिकाशनिस्ट जिनका नेम था जेम्स ब्लेड्स उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया उसे ये बोलकर कि गॉड ने तुम्हें डिप्राइव किया है वंचित रखा है इस प्रॉब्लम से बट उन्होंने तुम्हें उससे भी ज्यादा कुछ यूनिक कुछ रिमार्केबल दिया तुम सुन नहीं सकती बट बहुत यूनिक हो बाकी लोग सिर्फ सुन सकते हैं आप फील कर सकती हो म्यूजिक को और बहुत बेहतर तरीके से फील कर सकते एवलिन को अपना वर्क बहुत पसंद था वो कहती मैं एक वर्को हॉलिक वो रेगुलर कॉन्सर्ट्स, शोज देती थी बट उसके अलावा वो फ्री देती थी। हॉस्पिटल्स में में। वो एक इंस्पिरेशन बन चुकी थी डेफ बच्चों के लिए इनफैक्ट है एक इंस्पिरेशन उसने कर दिखाया कि आपको कोई नहीं रोक सकता जहां आप पहुंचना चाहते एंड रिचलिन ऑफ बिथोविन फंड फॉर द डेफ चिल्ड्रन, उन्होंने ये बोला कि एविलिन एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है डेफ बच्चों के लिए। उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया है कि कर दिखाओ जो आप करना चाहते हो अचीव करो जो आप पाना चाहते हो एविलिन ग्लेनी ने बहुत कुछ ऑलरेडी अचीव कर लिए जो उनके डबल एज के लोग करते हैं तो उन्होंने प्रकर्शन का मतलब होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे आप हाथ से या डंडे से बजाते हो तो उन्होंने क्या किया है कि प्रकर्शन को फोर फ्रंट पे सबसे आगे लेकर आए हैं वो ऑर्केस्ट्रा के जनरली बैंड पीछे होते थे एंड उन्होंने कर दिखाया है कि ये बहुत इंस्पिरेशनल भी है अपनी फील्ड पे वो टॉप पे है तो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर आई होप आप लोगों को स्टोरी समझ आ गई होगी इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट थैंक यू बाय